नमस्कार, मेरा नाम कपिल नायक है। हम लोग इस समय पिछोर में हैं, जहां पर केपी सिंह काजू की जनसभा का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें, यहां से जो प्रत्याशी हैं अरविंद लोधी, उनके समर्थन में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हजारों लोगों की संख्या में यहां पर आए हुए उनके समर्थक। आपको बताते चलें, पिछोर का चुनाव अपने आप एक अलग ही मौसम पकड़ता जा रहा है। आम जनमानस में बैठे हुए हैं लोग और इनसे जानेंगे क्या इनका कहना है। क्या नाम है आपका, आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव पे, कौन जीता है? अरविंद भाई साहब। अरविंद भाई साहब, हाँ, आप उनके समर्थन में आए? समर्थन में आए। कांग्रेस पार्टी की योजना ठीक है? ठीक है। आपका क्या कहना है? कांग्रेस बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, हाँ, और भविष्य में भी करते रहेगी। और यहाँ से जो पूर्व विधायक रहे केपी सिंह काजू, वो एक विकास पुरुष है और उन्होंने यहाँ पे विकास की गंगा बहाई हुई है, हाँ। इसी वजह से अरविंद भैया को यहाँ हजारों मतों से मतलब विजय बनाएंगे। लोधी बसेस लोधी का मुकाबला, तो अरविंद बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं, हजारों की संख्या, हजारों की संख्या में लोधी इस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। क्या नाम आपका दादा? हाँ भैया बोलिए, क्या लग रहा है इस बार? इस बार ये लग रहा है कांग्रेस आगे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में आगे रहेगी। प्रीतम लोधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे जब कांग्रेस करे प्रीतम लोधी से क्या लेना देना हमें? नहीं है मतलब, नहीं का मतलब है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम पूरन है भैया, मैं बनखेड़ा ग्राम पंचायत से रहने वाला हूँ और वहाँ का कांग्रेसी मैं 50 साल से आज तक मैं वोट रहा हूँ और मैं वोट यहाँ दिग्विजय सिंह सरकार को देना चाहता हूँ। मेरा वोट कांग्रेस को जीवन दान है। ये आपका क्या नाम है? अभिषेक सिंह चौहान। क्या कहना चाहेंगे पिछोर के चुनाव के बारे में? हर बार की तरह इस बार भी सातवीं बार फिर से कांग्रेस आनी है, उसमें कोई दो राह नहीं है। यहाँ बाहर के गुंडों का मवालियों का माहौल नहीं बन सकता है कभी, ये शांति प्रिय क्षेत्र है और हमेशा रहेगा। काजू शिवपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वजह? उन्हें पूरा जिला देखना है अपना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह ही फोकस करेंगे वो, और जिला के बाद ऊपर भोपाल तक जाना है, क्योंकि वह इतने दिग्गज नेता हैं कि एक जगह सीमित होकर नहीं रह सकते। इसीलिए यहाँ पर अरविंद भैया को उन्होंने अपना नेतृत्व में खड़ा किया है ताकि ये सीट और हमारी 5 पौरी, कोलारस, शिवपुरी, पिछोर, करेरा सारी सीटें काजू के आधार पर ही जीतना है। आप क्या कहना चाहेंगे काजू के बारे में? काजू विजयी है सातवीं बार। अच्छा, माहौल अच्छा होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। जो नाजायज उनको बदनाम करते हैं, वो जो उनके लोग हैं जानते हैं कि वो कोई गलत काम करते ही नहीं है। काजू साहब जिंदाबाद, काजू साहब जिंदाबाद। और भी लोग हमारे साथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार पिछोर से अरविंद लोधी चुनाव जीतेंगे, बहुत सारे बहुत मतों। बीजेपी को क्या देख रहे हैं? बीजेपी का यहाँ तो सोपड़ा साफ है, हमें शायद है अभी रैली का। अरे भी कोई आ रहा है, नरेंद्र मोदी भी आ रहा है, यहाँ कुछ किसी का भैया हमें भैया अमित शाह भैया देखिए लोग अमित शाह जी आए थे रैली करने पे, कुछ नहीं था, आधी जनता नहीं थी, इससे आधी भी जनता नहीं थी, 25% जनता नहीं थी। आज देखो तुम पूरा रोड जाम है, अभी तो कक्कल साहब नहीं आए, कक्कल साहब को और आ जाने दो, इस ग्राउंड में पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। पब्लिक देखो आप पिछोर में अंदर जाके रोड पर देखो, कहीं कुछ जगह नहीं है, पूरा ट्रैफिक जाम है, पूरा रोड जाम है, कक्कल साहब को आने दो, अभी तो कुछ भी नहीं है। इतने मतों से अपना चुनाव जीतेंगे हमारे भैया, अगले प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। भाजपा का जादू चलेगा क्या? यहाँ कोई जादू नहीं चलेगा, 30 साल से नहीं चल रहा है और ना अब चलेगा। यहाँ अरविंद भैया हमारे क्षेत्र का नेता, क्षेत्र का बेटा, कक्काजी साहब ने आशीर्वाद दिया है, कक्काजी साहब के आशीर्वाद से विजय होंगे। और यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हो तुम, जन सैलाब देख रहे हो यहाँ पे ना कोई अमित शाह को देखने आया, ना मोदी जी को देखने आया, यहाँ कक्काजू के दीवाने हैं, केवल कक्काजू। हमेशा किराए के लोग मंगवाकर भीड़ जोड़ती है, केवल कक्काजू की भीड़ है, केवल कक्काजू के दीवाने यहाँ पे हैं, कक्काजू के लिए यहाँ सुनने आए, कक्काजू से मिलने आए हैं और कक्काजू से कहने आए कि आप चिंता ना करो, अरविंद लोधी को हम विजय बनाएंगे। काजू जब शिवपुरी से चुनाव लड़े तो आप लोगों को बुरा लगा क्या? 20,000 वोटों से शिवपुरी से चुनाव जीतेंगे, बुरा इसलिए नहीं लगा कि पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने और उनके लिए पांचों विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी है और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में आ रही है। क्या है बीजेपी की योजना?
जिला बीजेपी की योजना का लाभ मिल रहा? कहीं कुछ नहीं है, बीजेपी सिर्फ फर्जी योजना चलाती है। लाडली बहनों की भी याद 18 साल से नहीं आई, अभी चुनाव के 6 महीने पहले से लाडली बहनों की याद आई है। लाडली बहनाएं भी भरी बैठी है 17 तारीख का इंतजार कर रही है फर्जी मामा की विदाई करने को। इनकी कर दो विदा घर घर से आ रहे। हाँ हाँ, घर घर से आ रहे लाडली जी। अठारह चल रहा होगा, इनकी कर दो विदा घर घर से आ रहे। आपका क्या? जिस दिन अमित शाह जी आए थे, कितने तारीख को आए थे अमित शाह जी? कितने तारीख को आए थे अमित शाह जी? दो तीन दिन पहले। उस दिन 5-6 जिला के लोग बुलाए गए थे, फिर भी इतनी भीड़ नहीं जोड़ी गई थी। आपने पूछा कि अमित शाह के बारे में क्या बोले, 5-6 जिला के लोग बुला के भी इतने इससे 25% भीड़ नहीं थी। ये लोग सिर्फ कक्का जू के बुलाए भाई आदमी है ना, तो किसी पार्टी व्यक्तित्व ना कुछ, ओनली कक्का जू के लिए इतनी जनता जुड़ी है। काजू लोकप्रिय क्यों? काजू जन जन के हितैषी हैं, जन जन को खुद पहचानते हैं, हर एक व्यक्ति का खुद पर्सनल काम करते हैं, उनके बीच में बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती किसी मेडिटेटर जंत्री प्रति। काजू स्वयं काम करते हैं, आप सीधे जाओ सीधा कराओ काम गरीबों को। ये मान लो आपके पिछोड़ विधानसभा के मसीहा हैं, वो उनने जिस पे हाथ रख दिया वो यहाँ का हीरा बन गया। अरविंद लोधी या पिछोड़ विधानसभा में हीरा है और भारी बहुमत से पिछोड़ विधानसभा से जीत के आ रहा है। काजू के खिलाफ पिछोड़ सिपुरी में महिलाओं के प्रति वो फैलाया जा रहा है, उसके बारे में? अब्बा है, अब्बा है, सब झूठ है, झूठ। 18 साल से कांग्रेस थे शिवराज मामा, जब से बहने ना आती, जब से बहने ना आती बहने शिवराज मामा आए थे, जिला भी बना सकते तो मैं रोजगार मिलोगे नहीं? नहीं मिलो, बेरोजगार होगा, बेरोजगार शिवराज सरकार में, बेरोजगार सब बेरोजगार है। हाँ कोई बता दूं, मैं आपको बता दूं, काजू साहब शुद्ध साफ छवि के पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसे लोते नेता हैं कि उनकी कोई बुराई नहीं कर सकता। उनने हमेशा गरीबों के हित में काम किया है, गरीबों की सेवा की है उनने, और सीपरी में भी 20,000 वोटों से बजाए होंगे, और काजू की कोई बुराई नहीं कर सकते, सब काजू के दीवाने हैं। और महंगाई के बारे में कौन क्या कहना चाह रहा है? महंगाई महंगाई बहुत चरम सीमा पर चल रही है, महंगाई महंगाई तो बढ़ गई, महंगाई बहुत चरम सीमा, महंगाई से मर गए। कोई ऐसा नहीं होना, मोदी भी आ जाए तो भी ऐसा नहीं होगा। एक बात बताएं, अमित शाह का कहाँ से असर पड़ेगा? कोई भी नहीं। अमित शाह जब आए थे तो इतनी भीड़ ही नहीं थी। अच्छा, अमित शाह गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन के केंद्र, और यहाँ पे मोदी और अमित शाह का कोई जादू नहीं चलता, यहाँ पर केवल काजू का जादू चलता है। प्रताप सिंह लोधी ने पढ़े जमाना जब थे के बारे में क्या कह रहा है? हम तो जा कह रहे थे कि बीजेपी वाले के पैसा काय खोल ले रहे हैं पीतम भैया, तो इनसे जा कह रहा है कि तुम्हें जब लाडली बहन की याद आ रही थी तो कोरोना में आने चाहिए शिवराज मामा को, अब काय आने लगी? वो 2-3 महीने चुनाव की रहे थे सो डर आने लगी, वो जैसे पहले ही से डांटते तो जो मौका काय हो आज तुझे दिखा रहा हूँ, सही होगा नहीं? उनको प्रीतम सिंह लोधी को सिलेंडर गोल है तो कोरोना में आए कि नहीं आए? नहीं, कोई मदद नहीं। राजू साहब ने पूरी 2 करोड़ की अपनी विधायक निधि कोविड में मैं दान कर दी थी, 1 करोड़। यहाँ सिर्फ काजू काम करते हैं, ये दे इलाज के लिए 50 लाख, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए। प्रीतम सिंह कभी नहीं देखा, 5 साल में कभी नहीं देखता, चुनाव आया था सोई आता है, परदेशी भगेगा और क्षेत्र बचेगा। हमारे लगातार अपने समर्थकों के साथ लगातार हो रही है पर, और आपको बता दें चले संगठन लाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद। हम तुम्हारे साथ हैं।